लुधियाना तो बाद एक होर एनकाउंटर होया है। दस दिए कि बदमाशा ते एसटीएफ दे विचाले गोलियां चलिया ने। बदमाश दे पैर दे विच गोली लगी है, हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया है। वड्डी खबर है, दस दिए कि बीते कल लुधियाना दे विच एनकाउंटर होया सी ते हुण एक होर एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। एसटीएफ ते बदमाशा दे विचाले गोलियां चलिया ने, जिस दे विच एक बदमाश दे पैर दे विच गोली लगी है ते दोवां पासियां तों ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। कई राउंड फायर होए ने। तां हरियाणा के फरीदाबाद के एसटीएफ अते हथौड़ा गैंग के विचाले गोलियां चलिया ने। दोवां पासियां तो कई राउंड फायर होए ने। एक बदमाश के पैर च गोली लगी है, जिस तों बाद पुलिस ने उसनू गिरफ्तार कर लिया है ते सिविल होस्पिटल दे विच भर्ती करवाया गया है। दस दिए कि मनीष नां दा इह बदमाश पुलिस नू वेंटड सी ते 10,000 रुपए का उसते इनाम सी। पलवल की एसटीएफ उसका पीछा कर रही थी, तो इस दौरान जदों चेज कर रही थी एसटीएफ की टीम, तो बदमाशों के वलों एसटीएफ की टीम से फायरिंग कर दी गई, जिसके जवाब के एसटीएफ ने भी फायरिंग की है तो एक बदमाश से गोली लगी है, वह डिग गया, जिसनों मौके पर ही काबू कर लिया गया तो होस्पिटल भर्ती करवाया गया है। तो वड्डी खबर है, दस दिए कि हथौड़ा गैंग एसटीएफ के विचाले यह मुठभेड़ हुई है, जिस दे विच हथौड़ा गैंग दे वल्लों कई मर्डर पहला भी किए गए सन ते लगातार जिहड़े हथौड़ा गैंग है वह एसटीएफ दे निशाने ते सी, लगातार पिछा किया जा रहा सी। तां गुरुग्राम दे सोहना इलाके दे विच एक फार्म हाउस दे विच हथौड़ा गैंग दे वल्लों एक नौजवान की हथौड़िया दे नाल हथौड़े मार मार के उसका कतल कर दिता गया सी ते वह मुलजम फरार चल रहा सी। तां वड्डी खबर है, दस दिए कि लुधियाणा दे विच एनकाउंटर होया, दो गैंगस्टर ढेर कर दिते गए। उस तो बाद अज एक होर एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है, जिस दे विच एसटीएफ अते बदमाशों के विचाले गोलियां चलिया ने। एक बदमाश जिहड़ा है उसनू काबू कर लिया गया, उसके पैर दे विच गोली लगी है। पुलिस उसका पीछा कर रही थी तो उसने पुलिस से गोलियां चला दित्तियां। पुलिस के वलों जवाबी फायरिंग की गई, दोवां पासियां तो गोलियां चलिया, जिस दे विच जिहड़ा एक बदमाश है उसके पैर दे